एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे डिज़ाइन वाले स्वेटर पे पॉकेट बनाना। देखिए, मैंने पहले भी एक पॉकेट बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है कि अगर आप स्वेटर पूरा कंप्लीट कर लें और फिर उसमें पॉकेट डालना चाहें तो किस तरह से डाल सकते हैं, तो वो नीचे आप कमेंट कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में शायद मैंने दिया होगा, तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे पॉकेट बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं और ये वाला तरीका मैं आपको बहुत ही आसान करके बताऊंगी। आप बिगनर भी है ना, तो आप फॉलो कर सकेंगे। खाली कुछ स्टेप हैं, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, और दूसरे भी मैं डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके मेथड। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उससे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन जब आप ऑन करेंगे ना बेल आइकन, तो सारी वीडियोज रिसीव हो जाती हैं और मैं बहुत सारी आसान वीडियोज डालती रहती हूँ। मैं बॉर्डर से लेकर यहां तक देखें 8 इंच, लेकिन आपको इस चीज को फॉलो नहीं करना, आपने बॉर्डर को छोड़ना है। जब भी आप पॉकेट बना रहे हैं ना, तो आपने फोकस करना है इस चीज पे। ये देखें 8 इंच डिजाइन, मतलब कि जहां से आपने पॉकेट रखना है, बेशक प्लेन हो, डिजाइन के साथ हो, या कोई भी डिजाइन आपने रखी हो, आपने मेजरमेंट को यहां से लेकर यहां तक फॉलो करना है। यू विल फॉलो द मेजरमेंट फ्रॉम आफ्टर द बॉर्डर, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट पॉकेट आफ्टर द बॉर्डर ना, नॉट ऑन द बॉर्डर। तो आपने बॉर्डर के बाद जब पॉकेट डालना है, तो आपने नाप भी वही रखनी है। दूसरा ये मेथड है कि आपने अपना हाथ इस तरह रख लेना है इस पे, कि आपको कितनी, अब देखें मैं खींचे बगैर ये कर रही हूँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेची वाला डिजाइन है, लेकिन स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं है। विदाउट स्ट्रेचिंग पुट योर हैंड लाइक दिस, कि आपका हाथ कितना अंदर जा रहा है इसमें, तो पॉकेट कितना चाहिए। आगे हमने बॉर्डर भी तो डालना है ना इसका साथ में, तो ये भी देखना है आपने। हो सकता है कि किसी का हाथ बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, उस हिसाब से आप डाल लें। आप फोन डाल के रख लें, आप पॉकेट को बड़ा भी कर सकते हैं। क्या 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 चीज आप डालना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो इसकी लेंथ रखी है वो मैंने 5 इंच रखी है, क्योंकि मैंने फॉलो किस चीज को करना है, नाप को करना है। ये जो आप डिजाइन को देख रहे हैं ना, इस चीज को फॉलो नहीं करना। डिजाइन तो आप कोई भी रख सकते हैं ना, कोई भी स्टिच पैटर्न रख सकते हैं। यू विल फॉलो द मेजरमेंट्स, नॉट द रोज। अब यहाँ पे आपको नाप मिल गई, इतना इतना पीस आपने बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, सेम नंबर की सिलाइयां मैंने यहाँ पे ले ली हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेयर नहीं है सिलाइयों का, एक्स्ट्रा सिलाइयां नहीं है, तो आप किसी भी धागे पे उतार लें जो कि फ्रंट पार्ट आपने बुना है, आगे वाला हिस्सा, और फिर वही सिलाइयां इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 21 फंदे सिलाई पे डाल लेने हैं, कास्ट ऑन 21 स्टिचेस। वो क्यों 21 स्टिचेस, वो मैं आपको जब सेटिंग करूंगी वहां पे तब मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने हिसाब लगाया है। अभी आप क्या करें कि 21 फंदे डाल लें, कास्ट ऑन 21 स्टिचेस। 21 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं, 21 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। अब रो 1 आपने क्या करना है, नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 पहली सिलाई नेट ऑल स्टिचेस, रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब रो 2 दूसरी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें, 2 रो पर्ल ऑल स्टिचेस। ये देखें, इसको उल्टा फंदा कहते हैं। वैसे ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ बिगनर के लिए, अगर आपको ये चीज आती है तो आप आगे बुन लें। दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाएं जितनी आपको लेंथ चाहिए इसकी। कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द पॉकेट। ये स्टॉक नेट स्टिच है बेसिकली, दिस इज स्टॉक नेट स्टिच। यू विल कीप नेटिंग स्टॉक नेट स्टिच फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। मैं आपको एक दफा और करके बता देती हूँ, अगर बिगनर हैं तो उनकी हेल्प होगी। देखें, यही 2 सिलाइयां रिपीट करनी है ना, तो आपने क्या करना है, फिर से एक सिलाई सीधी, सीधे फंदे बुन ले सारे। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह होगी, मतलब सीधी साइड की सारी सिलाइयां। ये देखें, इसको मैंने रखा सीधा है, ये देखें, ये इस तरह का जो ये साइड आपको दिख रही है ना, ये सारे फंदे सीधे होंगे। तीसरी सिलाई सीधी, फिर चौथी सिलाई उल्टे। तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई है, देखिए इस तरह का शेप आएगा, तो आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इस तरह से आपने इधर से सीधा बुनना है। अब फिर से चौथी सिलाई होगी, वो दूसरी सिलाई की तरह होगी, सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे। ये देखें, स्टॉक नेट स्टिच है, पहला फंदा थोड़ा सा टाइट रखेंगे आप। ये इसी तरह से अब ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे।
fourth row same as row 2 purl all stitches. Now this is the stockinette stitch and you will just keep knitting like this. Then I'll show you measurements. तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक बुन लिया है, 5 इंचेस यहाँ पे रखा है, 5 इंचेस यहाँ पे रखा है। मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी हो। मेथड बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बस आपने नाप का ख्याल रखना है। जो नाप आप बना रहे हैं अपने पॉकेट्स के लिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, आपने वो वाला पीछे वाले पॉकेट का भी रखना है, बैक पार्ट पर जाएगा ना। ये देखिए 5 इंचेस यहाँ पे और 5 इंचेस यहाँ पे, 5 इंचेस हेयर 5 इंचेस हेयर। सेटिंग रो पे आपने क्या करना है, देखें डिजाइन वैसा ही जाएगा। आप ये डिजाइन बुन रहे हैं, कोई और डिजाइन बुन रहे हैं, कुछ भी बुन रहे हैं, कौन सी भी सिलाई पे हैं, आपने यहाँ पे आपको लेंथ मिल गई, आपने पॉकेट एड करना है, ये पीस एड करेंगे। वॉट एवर स्टिच पैटर्न यू आर निटिंग, कीप इट एज इट इज, यू विल कंटिन्यू द स्टिच पैटर्न एज इट इज, वी विल जस्ट एड द पॉकेट हेयर। अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने 21 फंदे यहाँ पे क्यों डाले। मैंने 21 फंदों को फॉलो नहीं किया, मैंने विड्थ को फॉलो किया। जितनी मुझे विड्थ चाहिए पॉकेट की, मैंने उतनी रखी है। आप बड़ी और छोटी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप नापेंगे पॉकेट को। अगर आपको 4 इंचेस चाहिए विड्थ, 5 इंचेस चाहिए, फिर आप गिनेंगे कि 5 इंचेस पे कितने फंदे आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं। बीच में आप उनको होल्ड करेंगे और इक्वल स्टिचेस यहाँ पे रखेंगे, इक्वल स्टिचेस यहाँ पे रखेंगे, बराबर फंदे। अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, अगर यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, बराबर। और बीच में आपने पॉकेट देना है, फिर पॉकेट आपका कितने भी फंदों पे आ रहा हो वो आपकी साइज के हिसाब से। इस साइज के हिसाब से देखें, मैंने ये वाला पॉकेट इसकी लेंथ रखी है, मेरे अराउंड जो है वो 4.5 इंचेस है। तो आप फंदों को नहीं, नाप को फॉलो कीजिएगा। यू विल फॉलो द मेजरमेंट्स आई एम शोइंग यू। I have this width for the pocket, but you will see how much big pocket you want, the width you want for the pocket. But equal stitches you will keep from both sides. Setting row, knit 17 stitches as the pattern is. Setting row पे आपने 17 फंदे, जो मैंने calculation की है उस हिसाब से 17 फंदे आपने स्टिच पैटर्न के हिसाब से बुन लेने हैं। देखें राइट साइड से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो मेरा जो स्टिच पैटर्न डिजाइन बोल रहा है कि अगली सिलाई सारे फंदे सीधे होंगे। आई विल निट 17 स्टिचेस बिकॉज आई एम फॉलोइंग द स्टिच पैटर्न। यू विल फॉलो योर स्टिच पैटर्न एंड जस्ट निट 17 स्टिचेस। 17 फंदे यहाँ पे मैंने बुन लिए हैं, 17 स्टिचेस वी हैव हेयर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 21 फंदे हैं ना, तो यहाँ पे भी 21 फंदे हमने क्या करना है, स्टिच होल्डर पे डाल लेने हैं। इफ़ यू डोंट हैव स्टिच होल्डर, यू कैन यूज एनी एक्स्ट्रा वूल जस्ट टू पुट स्टिचेस ऑन। अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई भी धागा ले लें, ऊन ले लें और उस पर 21 फंदे यहाँ से डाल लें और बांध के रख दें। सुई से भी अगर आपने धागा भी डालना है ना, तो इसी से इस तरह से आप डालते जाएंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फंदे मैंने इसलिए यहाँ पे डाले क्योंकि यहाँ पे भी 21 फंदे हैं। आपके पास अगर विड्थ ज़्यादा है और ज़्यादा फंदे हैं तो आप ज़्यादा डालेंगे। इसको होल्ड करेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट एड करेंगे, वही स्टिच पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। अगर देखें ये सिलाई सीधी मैं बुन रही हूँ मेरे स्टिच पैटर्न के हिसाब से, तो आप उसी सिलाई के हिसाब से डालेंगे जो आपके पास है, चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, निट 21 स्टिचेस, निट दिस पॉकेट पीस हियर, फर्स्ट निट दिस 2 एंड देन पुल दिस लिटिल बिट टाइटली। थोड़ा सा इसको टाइट खींचेंगे ताकि लूज ना हो जाए इधर से पॉकेट कॉर्नर में से। वैसे वो आप जो है वो सिलाई लगाते वक्त भी इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन नीटनेस आती है तो ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। 21 फंदे मैंने बुन लिए, ये पॉकेट पीस जो है वो इसके साथ बुन लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखें 21 फंदे इधर होल्ड किए, 21 फंदे ये ऐड कर लिए, तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कटा, हम साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक पे कर लें यूं करके और ये वाले फंदे सारे सीधे बुन लें, या निट द स्टिच पैटर्न एज इट इज। हेयर वी हैव ऑल्सो 17 स्टिचेस, 1, 2, 3, 17 फंदे हैं यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। सत्रह फंदे देखें इस तरफ से भी हैं, सत्रह फंदे इस तरफ से भी है, और इक्कीस फंदे मैंने बीच में ये डाले, ये होल्डर पे, और ये साथ में पॉकेट पीस बुन लिया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल निट अ फ्यू एक्स्ट्रा रोज विद द सेम स्टिच पैटर्न, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग दिस पॉकेट हेयर वी विल डेफिनेटली गोइंग टू निट द बॉर्डर हेयर। भाई पहले हम क्या करेंगे, अभी सेटिंग रो के बाद मैं कुछ सिलाइयाँ ऊपर बुन लूँगी, क्योंकि ये पॉकेट सीने के बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी सीना है, तो ताकि हम साथ ही साथ में इसको सी के और फिर ऊपर बॉर्डर बुन के उसको सी लें। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ से बुन लेती हूँ। स्टिच पैटर्न वही सेम होगा, सेम स्टिच पैटर्न आप कंटिन्यू रखेंगे। इस डिज़ाइन की जो सिलाई जा रही है, एक सीधा चार उल्टे जा रहे हैं, तो ये मैं बुन लेती हूँ, एक सीधा चार उल्टे। बॉर्डर जितना मैंने ऊपर पार्ट बुन लिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो पूरा पार्ट बना लें उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो आसानी होगी। अब सेम जो नंबर की सिलाइयाँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसी नंबर की सिलाइयाँ यहाँ पे ली हैं, लेकिन अगर आपके पास तो दूसरी नहीं है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले धागे जो हैं वो स्टिच होल्डर पे आप होल्ड कर लें, और ये वाली सिलाई निकाल लें, और फिर ये वाले स्टिचेस उस पर डाल लें फंदे, और बॉर्डर बुन लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एक्स्ट्रा सेम साइज नीडल 5 mm, देन यू कैन टेक दिस नीडल आउट, पुट दीज स्टिचेस ऑन द स्टिच होल्डर और एनी एक्स्ट्रा यार्ड, एंड यूज दीज नीडल्स टू निट बॉर्डर ओवर हेयर। यहाँ पे अब बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पुट होल्डर निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, ये जो 21 फंदे हैं यहाँ पे, इसको हम नीडल पे डाल लेंगे। सेम साइज नीडल लेंगे आप। मैं डीपीएंस खाली जो है आपको सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस तरह की सिलाइयाँ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डबल पॉइंटेड हो। यू कैन यूज़ एनी नीडल, जस्ट सेम साइज सेम नंबर। आई एम यूजिंग डीपीएन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। 21 फंदे हमने सिलाई पे डाल लिए हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू नेट 1x1 बॉर्डर ओवर हेयर एज वेल। अब वही एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर यहाँ पे भी बुनेंगे। तो हमने क्या करना है, फॉर बॉर्डर रो वन धागा लेंगे एक्स्ट्रा, और एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे। धागा आगे और फिर दूसरा फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके ये 21 फंदे हम बुन लेंगे। बॉर्डर बुनना है ना, अगर इस पे आप और कोई भी बॉर्डर लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, एक सीधे एक उल्टे वाला, दो सीधे दो उल्टे वाला, या कोई और डिज़ाइन। मैंने बहुत सारे बॉर्डर्स आपको सिखाए हुए हैं ऑलरेडी। पहली सिलाई कंप्लीट होने वाली है बॉर्डर के लिए। देखें ये एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा बुनेंगे, क्योंकि 21 फंदे हैं ना। अब रिटर्न रो उसी तरह सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते आएंगे। रिटर्न रो, पर्ल वन, निट वन, पर्ल वन, निट वन, जस्ट निट और निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। दूसरी सिलाई भी हमें कंप्लीट होने वाली है, एक उल्टा एक सीधा और आखिर में ये एक उल्टा, और इसको थोड़ा सा टाइट खींच लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे धागा मिलाया है ना, ऊन मिलाई है, तो थोड़ा सा ये लूज है, तो आप इसको खींच लेंगे। नाउ रिपीट दीज टू रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर। जितना भी भाई आपको बॉर्डर चाहिए ना, इसी तरह से आप क्या करेंगे, एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लेंगे। एक इंच तक मैंने बॉर्डर बुना है। अब मैं इसका बाइंड ऑफ करूंगी। सिलाइयाँ जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलाइयाँ हैं, 6 रोज, बट यू विल फॉलो द मेजरमेंट्स डेफिनेटली। सो हेयर आई हैव 1 inch। राइट साइड है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बंद करेंगे इसको, बाइंड ऑफ करेंगे रिबिंग वाला। रिबिंग बाइंड ऑफ मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है। सीधे पे सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टे को उल्टा बुनेंगे और फिर इनको बंद करते जाएंगे। यू विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ
knit the knit stitch and purl the purl stitch and keep closing them. See, this is called ribbing bind off. इसी तरह सारे फंदे बंद कर देंगे. सारे फंदे बंद कर दिए हैं, अब धागे को काट लेंगे. ये देखिए, सिक्योर करें पहले इसे और उसके बाद काट लेंगे. अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बिगिनर को बहुत हेल्प करेगी. आपको देखें, पता तो है ना कि स्टिचेस कितने हैं इस तरफ से और इस तरफ से, और पॉकेट मैंने कितने फंदों पे बनाया है. तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा धागा लें, ट्रिक बताऊंगी. अब यहाँ पे आपने 17 फंदे काउंट करने हैं, यहाँ से भी 17 फंदे काउंट करने हैं. बहुत ही आसान है स्टिचेस काउंट करना. आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं आप आराम से काउंट कर सकते हैं. ये देखें, पांच पांच वाला बॉक्स था ना मेरी जो डिज़ाइन जा रही है यहाँ से ऊपर. आप काउंट इस तरह से कर सकते हैं, देखें 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17. ये देखें, यहाँ पे 17 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड, 17 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड यू विल काउंट. And we will put this yarn from here to there. It will help you to join the pocket piece on the exact right place. देखें हमने क्या किया, 17 यहाँ से काउंट किए, 17 यहाँ से काउंट किए हैं. अब बीच में जो 21 फंदे हैं ना, ये वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये वाला धागा डाल लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो ये वाला पॉकेट मिलाने में. 17 17 वाले पे आप धागा डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया है, लेना है. तो अब ये देखें, 1 2 ये 3 1 2 3, यहाँ से यूं भी जा सकते हैं आप. ये देखें, ये इस तरह से आप आए और यहाँ से आपने ये धागा डालना शुरू कर देना है. रेंडमली आप इसमें यूं धागा डाल लें ताकि आपको बस दिख जाए कि आप कि 21 फंदे कहाँ तक है. पूरा शेप आ गया है. अब आपको पता चल गया है कि यहां तक आपने अपनी पॉकेट सीनी है. अगर आप इसी तरह से बगैर शेप दिए लेकर जाते तो आगे पीछे हो सकता था. तो ये बिगिनर के लिए एक टिप है. अब यहां से आप पकड़ेंगे ये. अब हमने क्या करना है, इस धागे के इस तरफ बिल्कुल ऊपर ये जो धागा हमने लगाया है ना, ये 17 स्टिच पे डाला है, तो यहां से हम मिलाते जाएंगे. ये देखिए, बिल्कुल टॉप पे लूप यहाँ से लिया फंदा और यहाँ से भी, और इसको ये वी शेप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से आपने पकड़ना है. इस तरह से बस आप मिलाते जाएंगे. ये देखें, अगेन फिर से मैं आपको दिखाती हूँ. ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ से और ये वी शेप आप देख रहे हैं ना, यहां से इस तरह से. फिर से ये सीधे सीधे यहां से देखें फंदे जा रहे हैं, यहां से इसको अंदर की तरफ कर दें, ये बाद में निकाल लेंगे इसको.
इसको हमने यहाँ से मिला लिया है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताती हूँ, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से ऊपर खींचेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि आपने सही जगह पे नहीं सिया है। आप अगर चाहें तो सीने से पहले भी यहाँ पे कॉर्नर मिला सकते हैं, मतलब जस्ट टाका लगा सकते हैं ताकि आपको उलझन ना हो। मैं करती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है कि किस तरह से करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे भी टाका लगाएं, थोड़ा सा यहाँ पे भी हल्का सा लूज लूज, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ पे कहाँ तक इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सीना है, ताकि बराबर रहे, आगे पीछे ना हो। इट्स अ टिप, जस्ट टिप है एक एक्स्ट्रा। अब हमने क्या करना है, ये देखें, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ से यूँ मिलाते जाना है। ये बैक साइड पे है तो अगर आपसे कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ये रॉन्ग साइड पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कॉर्नर तक आपने इसको मिला लेना है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ सीएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से लेकर ऊपर इसको सीएंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप इसको मिलाते जाएंगे। ये इधर है ना, ये यहाँ से लेकर इस तरह से आप इसको मिलाते जाएंगे। ये वाली साइड भी मिला दी है हमने। अब ये देखिए पॉकेट हमारा इसमें फिट हो गया है। अब ये जो धागा है आप बेशक निकाल लें इसको, ये देखें इसको हमने हल्का सा इधर फंसाया हुआ था तो ये आराम से निकल आता है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा डाला हुआ था, आप इससे छोटा भी डाल सकते हैं। पॉकेट हमारा इसमें अंदर फिक्स हो गया। ये बैक साइड है आपके स्वेटर की और ये देखें ये राइट साइड है। तो यहाँ पर देखें पॉकेट फिक्स हो गया है। अब ये वाला बॉर्डर यहाँ पे हम सीएंगे। सेम मेथड होगा इसको सीने का। ये देखें अंदर की तरफ से इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर लेना है ताकि ये जो इसमें कॉर्नर में होल बना है थोड़ा सा वो बंद हो जाए। या आखिर में वेव इन करते वक्त भी डाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं आप। तो पहले आप फोकस किया करें सीने पे। अब यहाँ से भी उसी तरह ही सीएंगे। ये देखें 5, 10, 15, 16, 17, बट ये लाइन नीचे से जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको मिला लेंगे, इस तरफ जाएं थोड़ा सा, देखें ये बिल्कुल यहाँ से इस तरफ। अब एक पॉइंट और आप दिमाग में रख लें कि ये देखें उसको हमने रॉन्ग साइड से मिलाया था, इसको हम राइट साइड से मिला रहे हैं। थोड़ा सा हम इसकी नीटनेस के लिए देखें ये इस तरह से यहाँ से धागा लेंगे और इस तरफ से यहाँ से और यूँ खींचते जाएंगे। बॉर्डर हमने इस तरफ से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिट इन हो गया है इसके अंदर। अब इसको वेव इन कर लेंगे बैक साइड पे। ये देखें ये भी धागा है और ये जिससे हमने सिया है वो भी धागा है हमारे पास। तो इसको बैक साइड पे आपने जाके फिक्स कर देना है। थोड़ा सा हमें इसको
यूं फंसा लेंगे ऊपर की तरफ फिनिशिंग के लिए, ये जो लटक रहा है ना कॉर्नर इसका, उसको देखिए इसको भी वेविंग कर देंगे बैक पे। सेम तरीका होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये रॉन्ग साइड पे आके आपने फोकस ये करना है कि बिल्कुल लाइन पे हो। अगर यहाँ तक कि आपने इसको बंद किया है तो ये भी उसी लाइन पे हम बंद करेंगे, आखिर में टाका लगाएंगे। तो साइड तो मैंने बंद कर दी है, अब इसको आप बैक साइड पे ले जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल एक ही लाइन पे हमने इसको बनाया हुआ है। फोकस करेंगे लाइन्स पे, स्टिचेस पे, इससे आपको आसानी होगी। पॉकेट हमारा रेडी हो गया है, बॉर्डर भी मैंने सी लिया है और बैक पे वेविन भी कर दिए हैं। अब कोई भी स्टिच पैटर्न आप बना रहे हो ना, तरीका यही होगा पॉकेट सीने का। अब पॉकेट तैयार हो गया हमारा और ऊपर अब हम अपना स्वेटर बुन लेंगे। ये अगर आप स्वेटर बनाना सीखना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि ये मैंने कंप्लीट स्वेटर किस तरह से बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।